गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को। अभी देख सकते हो समय 9:13 हो रहे हैं, अभी तो मार्केट ओपन नहीं हुआ है। जैसे ही ओपन होगा उसके बाद हम एच पर रूल, एच पर जो हमारा हमेशा का कंडीशन रहा है उसी सेम रूल सेम व्यू के साथ आज भी हम काम करेंगे। देखते हैं मार्केट में आज क्या रिजल्ट रहता है। अभी देखो अभी तो मार्केट ओपन हो गया, बस जस्ट मुझे क्या करना है, मुझे अपना टूल में लगा लेता हूँ। टूल नहीं है यार, बेसिकली मेरा ट्रेड जो मैं करता था, लेवल निकालता था, उसी का लॉजिक है। ठीक है, इसको मैं मैन्युअली सिखाता हूँ आप लोगों को कैसे लेवल्स निकालने, कैसे लाइन खींचने हैं। ये सारा का सारा MTP 2.2 में आपको सिखा दिया जाता है। इस टूल की कोई ज़रूरत नहीं है किसी को, जिसको पता है कैसे लेवल निकालने हैं उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। अभी देखो यहाँ पर न्यूट्रल लेवल पर क्या हो रहा है, न्यूट्रल लेवल पर मार्केट आया और ये ग्रीन जोन बना रहा है। ग्रीन जोन इन द सेंस मेरा व्यू जो रहता है वो अप साइड रहता है। आज डे है आपका मंडे। वहीं अगर मैं बात करूँ फिन निफ्टी की, तो फिन निफ्टी भी देख सकते हो कि हमारे URL लेवल पर चल रहा है। तो आपको मैंने पहले ही बता रखा है सेम डे डे वन पर ही कि जितने भी URL लेवल पर मार्केट कभी भी आता है तो मेरा जो व्यू होता है वो अपसाइड का होता है। मैं ऊपर का व्यू लेकर के मार्केट में चलता हूँ। जितने भी DR लेवल पर आता है वहाँ से मेरा व्यू होता है जो डाउन का होता है। तो अभी का जो मेरा व्यू है ना वो कहीं ना कहीं अपसाइड का रहेगा। अपसाइड का व्यू है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं जैसे ही ग्रीन जोन पर आया मैं पुट को बेच दूँ। नहीं, मार्केट में देखो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला होता है कहाँ, ठीक है, दूसरा होता है क्या, तीसरा होता है कब। राइटिंग पे मत जाना, ज्ञान की बातें समझना, ठीक है। कहाँ मतलब किस जगह पर, कौन से लेवल पर आपको क्या करना है। ये देखो ये हमारा कहाँ का आंसर मिल गया। क्या क्या मतलब आपको ऊपर का लेना है कि नीचे का लेना है, मतलब आपका व्यू ऊपर है कि नीचे है। तो मेरा व्यू क्या है, ऊपर का है, अपसाइड का है। कब, कब के लिए हम वेट कर रहे हैं, ठीक है। ये जिस दिन आपको कहाँ पर और क्या पर और कब, ये तीनों का आंसर पता चल गया, मतलब आपको कहाँ क्या कब करना है, कहाँ पर बाई करना है, कहाँ पर सेल करना है, कब करना है, इस तीन चीज़ों का आंसर पता चल गया ना, उस दिन आप मार्केट में खिलाड़ी बन जाओगे, ठीक है। तो हमारे दो का आंसर मिल चुका है। कब का अभी हम वेट कर रहे हैं, मतलब कब एंट्री करनी है उसी के लिए हम वेट कर रहे हैं। तो जब तक सटीक एंट्री नहीं मिलेगी तब तक हम एंट्री नहीं बनाएंगे। एंट्री बनाने के लिए वेट करना बनता है, देखते हैं क्या होता है। फाइनली एंट्री करने का मौका मुझे मिल चुका है। अब मैं चलता हूँ, यहाँ से लगा रखा है सब कुछ, एंट्री हो गया, देख सकते हो आप यहाँ पर लग चुका है ऑर्डर। यहाँ पर आप पोजीशन भी देख लो, ऑर्डर हिस्ट्री में भी आपको दिखा देता हूँ, ऑर्डर हिस्ट्री हमारी ये है। और आल्सो आप मार्जिन भी देख लो, ताकि मार्जिन को लेकर बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं। देखो मार्जिन बहुत कम लगता है, 84 लगे हैं तीन लॉट में, और हमने बहुत ज़्यादा दो हेज किया हुआ है। अब यहाँ से देखो अगर फिन निफ्टी ऊपर तब जाएगा तो मुझे प्रॉफिट होगा। तो अभी आप देख सकते हो अभी मैं कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास चल रहा हूँ, छोटा मोटा प्रॉफिट, छोटा मोटा ये, ठीक है। हाँ, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर तब जाएगा ना तो मुझे एक बढ़िया सा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। और अब मैंने जैसे आपको बोला था ना कि मार्केट अगर ऊपर तब जाएगा तो मैं टेल स्टॉप को शिफ्ट कर लूँगा। अब मैं कहीं ना कहीं अपना स्टॉप लॉस जो है वो इधर के आसपास लगा रखता हूँ, ताकि मार्केट अगर इसके ऊपर जाएगा तो मुझे प्रॉफिट होगा, अदरवाइज इसके नीचे जाए तो मैं अपने छोटे मोटे लॉस के लिहाज निकल जाऊँ, ठीक है। टारगेट की बात करोगे तो ये वाला न्यूट्रल लेवल मार्केट आज दे सकता है। देखो देता है कि नहीं देता है, वो मार्केट ऊपर है। बाकी जितना ज़्यादा मार्केट ऊपर जाएगा मैं उतना ज़्यादा होल्ड करने का ट्राई करूँगा और उतना ही इसको वेट करने का ट्राई कर सकता हूँ। अगर मुझे 150-200 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है, कोई खास प्रॉफिट तो भी है नहीं, बाकी तो वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर देख सकते हो 1000 का समथिंग का प्रॉफिट मेरे को चल रहा है, रनिंग की मैं बात कर रहा हूँ, और काफ़ी ज़्यादा मार्केट ऊपर आ चुका है। तो फिर समझो फिक्स है मेरा, तो मैं कोई लॉस नहीं लूँगा, मैं कहने की प्रॉफिट में ही निकलूँगा। अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट जाता है तब की मैं बात कर रहा हूँ। हालाँकि मार्केट में कोई बहुत बड़ा तो मूवमेंट नहीं आया हुआ है, हमें वेट करें कि मार्केट हमारा न्यूट्रल का टारगेट भी दे सकता है। बाकी तो देखना है, क्योंकि ये सब देखो मार्केट के कंडीशन के ऊपर है कि मार्केट कितना ऊपर जाता है नहीं जाता है। लेकिन एक चीज़ फिक्स हो गई है कि अगर मार्केट देखो मेरे अगेंस्ट जाता है तो मैं क्या करूँगा, मैं चीज़ों को थोड़ा सा कम लॉसेस में लेकर निकलने का ट्राई करूँगा। मतलब यही होगा बुरा सुरा कंडीशन, जो मुझे अभी 1000 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है, हो सकता है मेरे को 700-600 में निकलना पड़े, यही मेरा बैड कंडीशन है। अदरवाइज मैं होल्ड इसलिए करूँ ताकि मार्केट अगर यहाँ पर आ गया ना तो 1000 रुपये का प्रॉफिट मेरे को 2000-2500 में भी हो सकता है। ये मार्केट के ऊपर है, देखना है क्या होता है आज के दिन पर। हेलो दोस्तों, देख सकते हो 1500-1600 का प्रॉफिट चल रहा है, रनिंग की मैं बात कर रहा हूँ, और मार्केट बहुत ही अपसाइड का मूवमेंट दिया हुआ है। अब मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैं इधर के आसपास सेट कर लेता हूँ, ताकि अगर मार्केट इसके नीचे आएगा तो मैं अपनी पोजीशन काटूंगा। अदरवाइज मैं वेट कर रहा हूँ कि न्यूट्रल का टारगेट दे दे, 1700-1800 का प्रॉफिट हो रहा है, 21 समझ जाओ फिक्स है। अब मैं प्रॉफिट में ही निकलूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2000 का प्रॉफिट चल रहा है, देखो मार्केट बहुत ज़्यादा फास्ट बढ़ रहा है। तो फाइनली आप देख सकते हो कि मार्केट बहुत बढ़िया ऊपर गया हुआ है और मुझे 2000-2100 का प्रॉफिट चल रहा है। अब एक चीज़ समझो कि मैं अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में एकदम पास शिफ्ट कर रहा हूँ उधर के आसपास, क्योंकि अगर मार्केट जब तक इस लेवल के ऊपर है तब तक मैं होल्ड करूँगा। इस लेवल पर जाएगा तो मैं पूछा करके निकलने का ट्राई करूँगा। रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पर देखो मेरा कहीं ना कहीं टारगेट एरिया होने वाला है। और रही बात इसके लिए जाएगा अगर बुरा सुरा कंडीशन क्या है, तो मार्केट मेरे अगेंस्ट रहने लगे
जब अगेंस्ट जाएगा ना, तो मैं चाहता हूँ कि मैं प्रॉफिट में ही निकलूँ, मैं कुछ मुझे कुछ नुकसान ना हो। वो ऐसा कब कब होगा, जब मैं अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का बहुत ज़्यादा 5 सेट कर लूँगा, तब की मैं बात कर रहा हूँ। तो अभी वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। यही होगा पूरा पूरा कंडीशन में, अगर मार्केट मान लो कि मेरे अगेंस्ट जाता है, तो जो मुझे अभी 2200-2300 का पावर चल रहा है, हो सकता है 2017-1800 में बुक करना पड़े। यही मेरा बैड कंडीशन है। अदरवाइज मार्केट यहाँ तक आता है, जो 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 हमारा टारगेट है क्या है, ऊपर का न्यूट्रल लेवल, तो यहाँ पे मार्केट में मेरे को 2500-3000 समथिंग का भी प्रॉफिट हो सकता है। वो मार्केट के ऊपर देखते हैं क्या होता है। एक चीज़ तो फिक्स है कि अब मैं प्रॉफिट में ही निकलूंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी प्रॉफिट में चल रहा हूँ, तो मैं अपना प्रॉफिट को जाने नहीं देने वाला हूँ। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। अभी आप देख सकते हो कि 2400-2200 का प्रॉफिट मेरे को चल रहा है। मार्केट हमारे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को ऊपर ही चल रहा है, तो जब तक इस लेवल के नीचे नहीं जाएगा, तब तक मैं वेट करूंगा, न्यूट्रल पर आने का वेट कर रहा हूँ, ताकि अगर यहाँ पर आएगा तो 3000 का भी प्रॉफिट इजीली हो सकता है मेरे को। बाकी देखो देखो बुरा बुरा कंडीशन क्या है, यही है बुरा बुरा कंडीशन कि 300-400-500 का प्रॉफिट मेरे को कम हो जाएगा। इसके अलावा कोई बुरा बुरा कंडीशन है नहीं, इसीलिए मैं वेट करूँ, देखते हैं क्या होता है। फाइनली आप देख सकते हो कि यहाँ पर मार्केट ने एक बहुत बढ़िया मूवमेंट दिया, लेकिन हमने अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर रखा है। आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने आज लगभग 2000 के आसपास का प्रॉफिट बुक किया हुआ है। एक बार मैं आप लोग के साथ रिफ्रेश करूँ ताकि आप लोग को ज़्यादा ईजी हो जाए। तो आप देख सकते हो कि 1920 रुपये का हमने प्रॉफिट टोटल बुक कर पाया हुआ है। और अगर बात करोगे आप, तो हमने आपकी आंखों के सामने बॉटम पकड़ लिया था, और टारगेट कहने के मैं आपको इधर के आसपास न्यूट्रल लेवल के एरिया के आसपास मैं बता रहा था, ठीक है। हालांकि मार्केट ने टारगेट दे दिया, बट हमने क्या किया, जब मार्केट इधर के आसपास से सडनली डाउन जाने लगा, देन हमने अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लिया था। यहाँ पर जब आया था मार्केट, तो लगभग मुझे 2500 के समथिंग का प्रॉफिट दिखा रहा था, बट जब मार्केट अगेंस्ट जाने लगा ना, तो हमने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दिया, बिकॉज मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया था। और उसके बाद भी मार्केट ने एक बहुत बढ़िया अपसाइड का मूवमेंट दिया हुआ। अगर अभी तक मैं रुका होता, तो तकरीबन तकरीबन 4000+ का तो प्रॉफिट होता ही होता। तो अब मैं क्या करूँ बताओ, अब मैं रिग्रेट करूँ कि भाई साहब बड़ा प्रॉफिट मिस हो गया? नहीं। देखो, आपको हमेशा ट्रेडिंग का जो लाइफ है, उसमें हमेशा फियर, ग्रीड, रिग्रेट, ये सारी चीज़ों को आता रहता है, डेली का रूटीन है। लेकिन आपको हमेशा कभी भी ट्रेडिंग में रिग्रेट नहीं करना है। हम आपको ये खुशी मनानी है, हमने बॉटम पकड़ लिया, हमने एज पर जितना भी ये प्रॉफिट होल्ड किया, एकदम सेफेस्ट वे में होल्ड किया हुआ है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर रुकता ना, तो ये जो मेरा 2000 का प्रॉफिट दिख रहा था, वो पहले 700-800 के प्रॉफिट में आता, फिर कहीं ना कहीं अपसाइड का मूवमेंट देता। तो मैं इतना ज़्यादा ट्रेलिंग में अपने प्रॉफिट में आए हुए हिस्से को दाव पर लगाने के लिए मैं रेडी नहीं था। बट मार्केट ने आज बहुत बढ़िया जैकपॉट दिया हुआ है आज के दिन पर भी, और कहीं ना कहीं न्यूट्रल लेवल पर आने के बाद ये रेड जोन बना रहा है, तो यहाँ से मेरा व्यू क्या हो जाता है, डाउन को जाता है, ठीक है। बट उससे अपने को फ़र्क नहीं है। अपना रूल ये भी बोलता है कि अगर फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट होगा, देन सेकंड में कुछ देखना नहीं है। बट मार्केट ने काफ़ी अच्छा हमारे लेवल के अकॉर्डिंग, हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग काम किया हुआ है। ये सारा चीज़ अगर आपको डिटेल में सीखना है, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर ये लेवल कैसे मिलेगा, टूल कैसे मिलेगा। देखो, ये टूल की किसी को नीड नहीं पड़ेगी। ये जैसे लेवल बना रहा है, जैसे जोन बना रहा है, ये सब का सब मैं MTP 2.0 में सिखा देता हूँ, कैसे आपको लेवल निकालने हैं, क्या देखकर एंट्री करनी है, कब एंट्री नहीं करनी है, क्यों करनी है, सारी की सारी कंडीशन डिटेल में सिखाई जाती है। अगर आपको उसको सीखना है, तो आप टेलीग्राम वगैरह पर चेक कर सकते हो। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।